बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वी वाचिंग रॉयल टेक्निकल चैनल, मैं एमएसके। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड एक्सपोस कंट्रोल सीक्रेट सोसाइटीज। तो सारा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बॉलीवुड हो या हॉलीवुड, सीक्रेट सोसाइटी का दोनों पे ही कंट्रोल है। पर आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की, तो बॉलीवुड को थोड़े से एक्सपोज करते हैं। बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार सलमान खान यानी सुल्तान से शुरुआत करते हैं। सलमान खान की मूवी रेडी में सलमान खान ने कुछ इल्यूमिनाटी सिंबल को प्रमोट करते हुए डेविल हॉर्न एंड वन आई सिंबलिज्म यूज़ किया है, और काफ़ी ब्रांड्स को सलमान खान ने प्रमोट करा है जो कि इल्यूमिनाटी के अंडर में, जैसे पेप्सी जिसमें डेविल हॉर्न बनाते हुए ये दिखते हैं। और हम बात करते हैं बिग बॉस की, जो कि बॉलीवुड का काफ़ी बड़ा रियलिटी शो है जिसको होस्ट सलमान खान करते हैं। और सलमान खान साफ तौर पर पता चलता है कि ये सीक्रेट सोसाइटी से जुड़े हुए हैं और ये इल्यूमिनाटी है। तो हम बिग बॉस की बात करते हैं पहले। तो बिग बॉस में देखो कुछ ऐसा है, अगर हर सीज़न में देखा जाए तो एक से लेकर 13 तक, तो कुछ ना कुछ में जो विनर होते हैं उन्हें ट्रॉफ़ी दी जाती है या अवार्ड दिया जाता है। तो उसमें आप देख सकते हो कि अवार्ड किस तरीके का दिया है। तो उसमें वन आई सिंबलिज्म दिखाया जाता है, वन आई सिंबलिज्म। और अगर हम यहाँ के घर की बात करें बिग बॉस के, तो घर के अंदर भी हर जगह कैमरे और वन आई सिंबलिज्म दिखाई देता है। और इसमें कुछ ऐसे रिचुअल होते हैं जो कि सैटैनिक रिचुअल होते हैं, जो टास्क ये होते हैं इनके घर के अंदर, वो भी बिल्कुल सैटैनिज्म के हिसाब से पूरा काम होता है इसमें। और ये पूरी स्क्रिप्ट दी जाती है इन्हें। ये गौर खान है और ये बिग बॉस 7 की विनर है, और इन्हें जो अवार्ड दिया गया उसमें विंग्स बने हुए हैं, और विंग्स शो करता है लूसीफर के पंख को। ये इल्यूमिनेटी सीक्रेट सोसाइटी के लोगों का मानना है, और ये वही दिखाया जा रहा है यहाँ पर। और ये बिग बॉस 8 के विनर गौतम हैं, इनके हाथ में जो ट्रॉफी, उसमें वन आई सिंबलिज्म एंड आई ऑफ लूसीफर जो कहते हैं वो इनके हाथ में है ट्रॉफी के रूप में। और ये सीजन 9 के विनर है प्रिंस नेरोला, इसके हाथ में भी कुछ ऐसा ही दिखता है हमें। द लास्ट सीजन 10 का ये है, इसमें भी हमें ऐसा ही कुछ सिंबलिज्म दिखता है। वैसे तो 13 तक हर एक में कुछ ना कुछ सिंबलिज्म आपको अवार्ड में दिखेगा ही दिखेगा। और बिग बॉस में जो सेलिब्रिटीज़ आते हैं वो सेलिब्रिटीज़ भी काफ़ी सीक्रेट सोसाइटी से जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि उन्हें फैम पाने के लिए बिग बॉस में भेजा जाता है और वो वहाँ से कामयाब भी हो जाते हैं। अगर हम MTV की बात करें तो MTV एज ऑफ स्पेस जो है सेम, ये ऐसा ही रियलिटी शो है सेम टू सेम। उसमें भी जैसे वो इल्यूमिनाटी का ही एक चैनल है, और उसमें सारे के सारे सेम यही काम होता है, सिंबलिज्म वगैरह। अब बात करते हैं हम अक्षय कुमार की। अक्षय कुमार भी हमें वन आई सिंबलिज्म प्रमोट करते हुए दिखते हैं, और उनकी वीडियो एक काफ़ी वायरल हो रही थी, तो मैं उसमें कुछ की क्लिप्स दिखाता हूँ आपको। तो इसे देखकर हमें साफ पता चलता है कि ये अनसेक्रेट सोसाइटी से जुड़े हुए हैं और ये इल्यूमिनाटी है। रियलाइज मतलब दिख रहा है आपको पिरामिड और वन आई सिंबलिज्म इनकी पूरा दिख रहा है, तो मतलब ये उनसे जुड़े हुए हैं। और इस पिक में तो साफ तौर पर दिखता है कि इनके पीछे विंग्स एंड वन पिरामिड वन आई सिंबलिज्म के साथ, और पीछे हेल का मंजर है, तो पूरा लूसीफर बने हुए दिखते हैं हमें यहाँ पर। और ये प्रमोट कर रहे हैं इल्यूमिनाटी को। इनकी मूवी रोबोट 2.0 को अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा दिखाया गया है, जो कि सरासर गलत है बिल्कुल। और रजनीकांत की बात रही तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं वो दूसरे चैनल पर इल्यूमिनाटी एक्सपोज पर, उसमें रजनीकांत को एक्सपोज किया गया है। इस मूवी में भी ये वन आई सिंबलिज्म एंड काफ़ी अदर सिंबल्स यूज़ करते हुए दिखते हो, प्रमोट करते हैं इल्यूमिनाटी को। अगर आप ध्यान से इस फिल्म को सही से देखेंगे तो आपको यही दिखेगा कि जो विलन जो होता है उसे इस फिल्म में अच्छा दिखाया गया है, मतलब विलन अच्छे होते हैं, हीरो बुरे होते हो, ये दिखाया गया है इस फिल्म में। तो ये तो रही अक्षय कुमार की बात। अब हम बात करने वाले हैं सिंगर ऑफ हिप हॉप आर्टिस्ट जोयो हनी सिंह। उन्होंने 2012 से उधम मचा रखा है सिंगिंग कल्चर में, और शुरुआत ये किस तरीके से गाने लेके आए थे शुरुआत में तो सब जानते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा प्रमोट करते हैं इल्यूमिनाटी को, ये बहुत बड़े लेवल पर। और इनके हर एक गाने में कुछ ना कुछ हमें सिंबलिज्म देखने को मिलता है, और इनके उल्टे करने पर गाने, क्योंकि शैतान के पुजारी जो है उल्टे गाने करने पर उनका
मतलब मिलता है हमें, जो कि शैतान को प्रमोट करते हैं, वो शैतान को ही अपनी रूह बेच कर और सारी चीज़ें जो भी फलाना ढिकाना हर एक बात उल्टे गाने पर उनकी जो बात वो कहना चाहते हैं गाने में वो हमें शो होती है और सिंबलिज्म के ज़रिए हमें पता चलती है इनकी गानों में। अब ये कुछ टाइम पहले एक गाना लेके आए थे मखना। मखना में आप देख सकते हैं 6 वर्ड और 6 लोग जो कि इल्यूमिनाटी के सिंबल्स दिखाते हुए हमें दिखते हैं और प्रमोट करते हैं इल्यूमिनाटी को। और इसी गाने में हनी सिंह ने ये बात भी बोली थी कि डर मत मैं नहीं इल्यूमिनाटी, क्योंकि शैतान के पुजारी कभी भी ये नहीं बताते कि मैं इल्यूमिनाटी हूँ और वो हमेशा फियर नॉट ये ऐसे ही सब बोलते रहते हैं कि हमसे डरो मत मैं नहीं इल्यूमिनाटी, और वो कभी भी ये प्रूव नहीं करते, मतलब ये नहीं कहते कि मैं हूँ इल्यूमिनाटी, वो हमेशा मना ही करते हैं। तो अपने गाने में इल्यूमिनाटी के बारे में बोलना ना बोलना क्या मतलब था इसका, मतलब बोले ना अपने गाने में इल्यूमिनाटी के बारे में, मतलब ये जानते हैं इल्यूमिनाटी के बारे में और ये कह रहे हैं मैं नहीं इल्यूमिनाटी। सैड सी बात है, ये इल्यूमिनाटी है जब भी ये बात बोल रहे हैं कि मैं नहीं इल्यूमिनाटी, और ये साफ तौर पर प्रमोट करते हुए दिखते हैं और इनकी काफ़ी पिक्चर्स आप देख सकते हैं जिसमें इल्यूमिनाटी के सिम्बोलिज़म को शो करते हुए दिखते हैं। तो अब बात करते हैं हम सैफ अली खान के बारे में। सैफ अली खान के बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ शायद पिछली वीडियोज़ में। तो सैफ अली खान की जो फिल्मी प्रोडक्शन है, मतलब सॉरी कंपनी जो है उनकी जो प्रोड्यूस करती है मूवीज़ वगैरह, तो उनका नाम ही इल्यूमिनाटी है उस कंपनी का नाम। सैफ अली खान ने खुद कहा है कि मुझे इल्यूमिनाटी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इनके बारे में ज़्यादा कुछ एक्सपोज करने की हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि अपने खुद कबूल कर चुके हैं कि ये इल्यूमिनाटी है। तो अब ज़्यादा कुछ इनके बारे में बात नहीं करेंगे। तो हनी सिंह के बारे में अगर आपको पूरी वीडियो देखनी है कि वो इल्यूमिनाटी है, तो आप वीडियो देख सकते हैं। रजनीकांत की भी पड़ी हुई है इल्यूमिनाटी एक्सपोज चैनल पर, तो आप दोनों वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना, मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आता रहूँगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ध्यान रखें। सारे वाउचर्स से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, और अगर कोई भी सिलेक्शन लेना हो तो मुझे DM करें।